आज हम एक्सप्लोर करेंगे मनाली, वो मनाली नहीं जो माल रोड के बाद ख़त्म हो जाता है, और वो भी नहीं जो ओल्ड मनाली जिसे हम कहते हैं। आज मैं जाने वाला हूँ मनाली के गांव में, जहाँ शायद ही कोई टूरिस्ट जाता है। कल मैं गया था वहाँ पर मेरे को तो कोई टूरिस्ट नहीं दिखा। काफ़ी सही है, मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं गया था, आज अंदर तक जाऊँगा, देखता हूँ, कोशिश करूँगा वहाँ के लोगों से बात करने की, और देखते हैं वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। गाँव तो इधर ही है, कोशिश करेंगे वहाँ पे किसी घर किसी गांव के घर में जाने का मौका मिला तो, अगर वो जाने देंगे तो। हाँ, लोग तो फ्रेंडली लगते हैं यहाँ के, पर क्या पता उनको पसंद आए कि टूरिस्ट उनके गांव में दखल दे। चलते हैं बाकी आगे, ये रास्ता है। यहाँ पे भी आते हैं, कमी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, वैसे ज़्यादा नहीं आते। जैसे सामने कल ही बर्फ़ भी पड़ी है यहाँ पे रात को। ये सारा गांव ही है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी कैसी है, कैसे अलग है शहरों से इनकी ज़िंदगी, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। अभी तो सब बंद है, सुबह के 10 बजे हैं, ठंड की वजह से यहाँ पे सब कुछ लेट ही खुलता है। अभी मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ कहाँ से जाऊँ अंदर। ये रास्ता तो है, यहाँ से चलते हैं। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं कैमरे के साथ जा रहा हूँ, खुद से बातें करता हुआ, वो फ्रेंडली हूँ। ताज़ी बर्फ, ये इनके पुराने लक्कड़ के घर, पता नहीं कैसे ये टिके हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे गिर ही जाएंगे अभी। पर लोग भी हैं, यहाँ के लोग को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए आराम से एक्सप्लोर करते हैं। आप लोगों को भी दिखाता हूँ कैसा है असली मनाली, उस टूरिस्ट ट्रैप से दूर जो माल रोड है। फिर तो कोई है ही नहीं है, लगता सभी सो रहे हैं। ये एक टिपिकल हिमाचल का घर लक्कड़ का, बस ये डंडों पे टिका हुआ है, पता नहीं कैसे वो भी इतने पुराने पुराने डंडों पे। कहाँ जाऊँ यार, नमस्ते जी, आगे जाने का रास्ता कहाँ पे? बस नीचे ऐसे देख रहा हूँ आपका गांव। अभी किसी को रिकॉर्ड नहीं कर रहा मैं, यहाँ से बोला उन्होंने पर मेरे को यहाँ से कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा। पत्थर मिल गए, के अंदर क्या है।
सारी बर्फ पिघल रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है। ऐसे बच्चों की आवाज आ रही है पर कोई दिख नहीं रहा है, हमें ऊपर है शायद। ये कहाँ गया? कहाँ जा रहा है सर? कहाँ जाइए? रास्ता भूल गया सर, रास्ता भटक गया। अब क्या करें? ये आपका घर है? ये मंदिर है? मंदिर दशना। दशना क्या कह रहे हो? दशना समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हो। नहीं मैं कहा दशना या दशना दशना समझ नहीं आया। ये कब मैं कहा दशना नहीं दशना। मैं ऊपर आऊँ? ऊपर जूते उतार के। आपकी गाय है? जूता उतार दूं? उतार दूं पहले? आप गाय का फोटो ले, गाय का फोटो पहले, गाय का फोटो लूं। गाय का फोटो लूं? ऊपर से लेके ना सब गाय पूरी आ जाएगा। यहां पे छोटी छोटी गाय, गाय गांव की गाय। कल बर्फ पड़ी थी यहाँ पे? बर्फ तो डेली पड़ेगी। डेली? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बॉबी। क्या है? बॉबी। बॉबी? अच्छा बॉबी। मेरा नाम निकुंज। ऊपर आऊँ? ऊपर जूते जूते यहाँ पे निकाल दो ना। जूते निकाल दिए, देखते हैं क्या है। पर कब से जाना चाहता था घर में, कभी फैंसी मंदिर टाइप घर है, फ्रेंडली फ्रेंडली। काटता तो नहीं है? डर रहा है। नमस्ते जी। अच्छा मंदिर ये महादेव? हाँ जी हाँ जी, हमें पता है, हम भी हिंदू ही हैं। अंदर मंदिर ही है? अंदर अंदर ऐसा ही मंदिर ही है, अंदर ऐसा ही मंदिर ही है। अच्छा अंधेरे में पता दिखेगा कि नहीं। अच्छा अच्छा ये भी आपका ही है, देख लो उधर। गाना कॉपीराइट। बस तो धन्यवाद। ये मंदिर जी मंदिर अच्छा की बेकार मंदिर है। मंदिर कैसा है? मंदिर कैसा है? बढ़िया है, अच्छा है। हाँ ये आपकी फोटो है? हाँ। गाना बंद कर दो, मिनट गाना गाना करना। हाँ जी ऐसे वीडियो में आ जाएगा ना। आपकी फोटो है? कौन सी वाली? खाली ए जिंदा, ए भी मर गया है, ए भी जिंदा है। मर क्या गया इनको? इसको क्या अटैक पड़ गया इसको? अच्छा छोटी उम्र में? छोटी उम्र में इसे इसको इसे पर पर छिप सर पर सर कर 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 सही। अच्छा मर गए, इसको अटैक पड़ गया दिल के द्वार से। और इन ये जिंदा है? ये भी जिंदा है, ये मैं हूँ। ये आप हो? हाँ आप तो जिंदा हो। हाँ लगता नहीं, जिंदा हूँ लगते तो हो। ये भी आप हो? मैं भी हूँ। ये भगवान है, ये आपके देवता है ना? ये हनुमान माता है, ये शारदाम का उत्तर पर वाला पीछे वाला। अच्छा इसकी पालकी है? पालकी कहाँ है? पालकी ये एंजल लगी है। अच्छा ऐसी पालकी की देवता की।
यहाँ पे कब बाहर निकालते हो अपने देवता को? होगा ना मेला फगली, कब होता मेला? आज देखो ना, आज कल लगता है जैसे देवता को ठंडा ना, फिर बता देवता कल अंदर गर्मी में देवता को ठंड लगती है, गर्मी में बाहर है ना धूप में। तभी ये मंदिर बंद पड़ा हुआ है, मतलब ये वाला ना, ये खुला था, ये मंदिर में धूप है। अच्छा अच्छा, वो खुला होता है? हाँ, ये तो सही है, या तो आदमी रहते हैं यहाँ पर, ये तो सही है, ऊपर देवता का मंदिर में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ऊपर देखा मैंने। यहाँ पे वैसे आते हैं लोग घूमने के, यहाँ पे कोई नहीं आता? मैंने कहा था रेस्टोरेंट चाय के लिए, मगर यहाँ होता नहीं, कोई मेरे पास काम करने वाला कोई बंदा नहीं, फिर मेरे रेस्टोरेंट रही। अच्छा अच्छा, हाँ रेस्टोरेंट रही, चलेगा चाय। अच्छा बिजनेस हो गया यहाँ? वो समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। अगर रेस्टोरेंट चलाएंगे ना, वो बिजनेस होगा यहाँ पर, चाय कॉफी मैगी बिजनेस। हाँ बिजनेस। अच्छा अच्छा, चलाते क्यों नहीं फिर? चलाता ना मैं चाय कॉफी यहाँ, यहीं पे चाय कॉफी दो अभी है आपके पास, कॉफी पी लेते हैं। बोल रहा हूँ रेस्टोरेंट है, चाय कॉफी मैगी और मंदिर साथ में ये। अच्छा अच्छा, वहाँ पर बनाते हो क्या? वहाँ पर है, वहाँ पर अगर आप बनाओगे तो पी लेंगे हम। पी? हाँ जी, आप भी पियोगे साथ में? हाँ मैं पीऊंगा ना आपके साथ, पी लेंगे। हाँ इसमें क्या है, वेट करूँ फिर मैं? आप बैठो यहाँ, यहाँ बैठो, वेट करता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग हैं, मैंने कहा था फ्रेंडली होंगे। घर तो नहीं है, मंदिर ही है। चलो जो भी है, किसी घर में भी जाने का ट्राई करेंगे अगर किसी ने आने दिया तो। और हाँ, ये मेरा पहला व्लॉग है, तो अगर मैं फंबल करूँ या कुछ भी करूँ तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। मतलब ऑफिशियली पहला व्लॉग है, पहले जो वीडियोस थी वो तो ऐसी सी थी, मुझे भी पता है। अब जब कॉफ़ी आती है तब मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ। कॉफी आ गई। एक बार बॉबी के साथ यहाँ पे चाय पी रहे हम, बॉबी जी के साथ। कॉफी कहाँ सच, कॉफी कॉफी चाय नहीं, कॉफी कॉफी। कितना तेज मीठा स्ट्रॉबेरी का मीठा में, नहीं चीनी बहुत ज्यादा ना, ठंड में चाहिए होती है। और ठंड में महादेव के भक्त हूँ, पूरा टाइम जनवरी में भी। रूम में पास एक पड़ा हुआ है तो, मगर यहाँ भी तो रूम में सब बार। अच्छा बार मजा आता है, बड़ा मजा बार आता है। रात को स्नोफॉल भी गिरता, रात को अपनी मुझे बाहर निकाली, साथ में गाने चलते हैं, गाने चले हुए हैं, निकाली बाहर ऊपर गिरा, बाहर देखिए अपना ऊपर क्या 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 हो रहा है, बाहर के ऊपर एक बर्फ गिरा अंदर। कल तो बहुत गिरी थी, मेरे मुँह के ऊपर गिर कर रात को बर्फ गया ऐसा आवाज से, ऐसा सा वो बर्फ गिरा गिर रहा है वहाँ, देखिए पता क्या अंदर क्या हो रहा है। बैठिए सर, बैठिए। हाँ साहब, मैं हूँ चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ नजदीक किया। हाँ चौथी बार ही आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या, मैं वैसे ही बस बिजनेस करते हैं अपना चंडीगढ़ में, यूनिफॉर्म का, हॉस्पिटल बस अपना गुजारा चल जाता है, इतना कमा लेते हैं। हॉस्पिटल होटल्स की यूनिफॉर्म्स होती है ना, वो बनाते हैं। इस्लाम में वाले रेस्टोरेंट, इस्लाम में वाले यहाँ मनाली में भी एक होटल का बनाया था, यहाँ पे है ना वो जो बाइक नीलकंठ, वहाँ पे गई थी हमारी, जाती रहती है। समझ नहीं आ रहा मुझे, इसको सुलाएंगे रेस्टोरेंट को, किसको सुलाएंगे? चलाएंगे रेस्टोरेंट, चलाएंगे रेस्टोरेंट। अच्छा इसको, इसको रेस्टोरेंट बनाएंगे? अच्छा कब?
वो भी शिवा उस टाइम पर भी कैफे। अच्छा है, फिर तो मैं आऊँगा अगली बारी, अगली बार तक तो बन जाएगा। बनी घर क्या बनाना, लगे पोस्ट लगे देवते के चेयर लगी हुई है। वो कहाँ लिखा है, बोर्ड कहाँ लिखा है आपका? वो लिखा पड़ेगा नहीं का। अच्छा चलो बोर्ड तो लगाओ। बोर्ड काम कटे मैं क्या। चलो अगली बार यहाँ पे जो भी आएगा, ये है मनु टेंपल के रास्ते में, मनु टेंपल के रास्ते में ये एक मंदिर आता है, बॉबी शिवा हाउस। यहाँ पे कॉफ़ी पीना और भैया को बोलना थोड़ी चीनी कम डाले। अब मिलता हूँ कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद। तो अभी बॉबी जी ने मुझे बताया कि इनका मेरा बिजनेस होता है 100 रुपये का, 100 रुपये का एक महीने का, एक दिन का नहीं एक महीने का 100 रुपये है ना, 100 रुपया। मतलब एक महीने में आप सिर्फ 100 रुपये कमाते हैं। अच्छा कॉफ़ी तो बहुत बढ़िया लगी, बस थोड़ी चीनी ज़्यादा थी। अपनी नहीं नहीं बस हो गया। हाँ मेरा हो गया, और मैं आपको थोड़े पैसे दे देता हूँ कॉफ़ी के। ये लीजिए, ये आपका 5 महीने का बिजनेस हो गया। यही 500 दिरहम से आप? हाँ जी। आपका ये 5 महीने का बिजनेस हो गया। चलो ठीक है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ओके अगली बार आऊँगा तो बोर्ड लगाना चाहिए। क्या लगाऊँ बोर्ड में? बड़ा बड़ा वो भी शिवा ऑस कैफे। हाँ ठीक है ना, ठीक है, बाय बाय। आ जाना ना, अपने बंदे को, अपने बंदे को आएंगे ना, सारे बंदे आएंगे जो भी देखेंगे आप। यहाँ मेरी वीडियो बनाना पूरी ना, मेरे घर की वीडियो यहाँ से पटक बनाओ, फिर बंदे यहाँ सारे आएंगे। मैं यहाँ से बनाता हूँ, सभी को दिखाता हूँ कि ये मंदिर के सामने एक और मंदिर है इनका। मंदिर, घर और बिजनेस सब कुछ है। गाय है, गाय भी है, गाय दो, कबूतर भी है, कबूतर भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। और यहाँ पे फ्रेंडली फैमिली, एक कौ, एक डॉगी भी है। चलो थैंक यू भैया सो मच। अब 5 महीने का बिजनेस हो गया, 5 महीने छुट्टी। अब जूते डालता हूँ, मैं चलता हूँ आगे, बाय। मैं अभी यहाँ से निकलने लगा था और बॉबी जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे नॉनवेज भी मिलता है ना। यहाँ दाल चावल और मैगी और कॉफ़ी और दाल चावल, यहाँ से कुछ मिलता है। मटन मिलता है, ऑमलेट भी। कौन कौन खाता है ऑमलेट और मटन? सब देवते खाते हैं ऑमलेट यहाँ, सब देवता ऑमलेट खाते हैं। भोलेनाथ, कृष्ण भगवान और राधे कृष्णा और पार्वती, सारे लोग खाते हैं, कट्ठे मिलके खाते हो ना। चलो अगली बारी फिर मैं भी आऊँगा, फिर सभी मिलके खाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है फिर। चार बंदे को लेके आए यहाँ पर, और सबको मैं दाल चावल और परौंठी खिला दूंगा। चार पांच अगर भगवान ने चाहा तो हजारों बंदे आएंगे, हजार जाएंगे। अगर नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो कुछ कोई बंदा नहीं आएगा, वो भी है। हाँ, चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो बाय बाय। आप मेरे को दीजिए एक चाय का 500 रुपया, ठीक है। वाह क्या अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था, लग रहा था कि इतने इंटरेस्टिंग लोग रहते हैं यहाँ पे। पता नहीं इसका असली में कोई बिजनेस था भी या ऐसे बोल रहा था, पर बहुत इंटरेस्टिंग था तो मैंने थोड़ी हेल्प कर दी। यहाँ पे बस पूरे गांव में ऐसी है, गांव गायें हैं, हर जगह लोग काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। एक भीड़, गाय, लक्कड़ के घर हैं, बीच में पत्थर है। तो यहाँ पे भी काफी कंस्ट्रक्शन होने लग गई है, जो पता नहीं लोगों को पसंद है या नहीं, पर हो रही है। बिजनेस ही खुलेंगे, कुछ और क्या होगा। कोई ढूंढता हूँ जिससे पूछता हूँ कि वो किस घर में रहना प्रेफर करते हैं, अपने पुराने घरों में या फिर नए घरों में। यहाँ
हम लोग, रास्ता दिख नहीं रहा मुझे। जहाँ कल गया था वो रास्ता नहीं मिल रहा मुझे, पता नहीं कहाँ है। काफ़ी सही लोग थे वहाँ पे और काफ़ी पूरा ऑथेंटिक काम था। तो मैं वो जगह ढूंढता हूँ फिर कैमरा ऑन करता हूँ। फाइनली मिल गई वो गली, गांव वाली जहाँ मैं कल गया था। देखते हैं अभी वही लोग मिलेंगे या नहीं, अगर नहीं मिलेंगे तो नए लोग ढूंढ लेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर सारे ही पुराने पुराने घर हैं, यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। कोशिश करूँगा अगर कोई अपने घर में आने की इजाज़त दे तो, वरना बाहर से बात करके निकल जाएंगे। ताज़ी बर्फ, सुबह काफ़ी ठंड थी, अब ठीक है मौसम, धूप निकली है तो मौसम ठीक है। लगता है पहचाना नहीं उन्होंने। चल किसी और से बात कर लेते हैं। यहाँ देखें क्या है, कुछ बोलेगा तो नहीं कोई, चल देख लेते हैं क्या जाता है। बंदा हुआ है, बंदा टूट ना जाए। नमस्ते, यहाँ पे तो सभी लोग काम कर रहे हैं, कोई ऐसा बंदा ढूंढना होगा जो वेला बैठा हो। चल चलते हैं इधर। इसे क्या हुआ, लकड़े इकट्ठी कर रहे हैं सर्दी के लिए। सही में ठंड तो बहुत थी कल, आज भी। फाइनली धूप निकली है। आगे रास्ता तो बंद है, एक तो आगे रास्ते नहीं याद रहते। इधर इधर ही आया था कल। ये काइन बहुत डरती है, आज इसको हाथ लगा के देखते हैं, कल तो दूर भाग गई है। डरती है, आज कोई भी नहीं है यार। नमस्ते जी, देख लूँ मैं? क्या देखा? गांव आपका? गांव देख रहे? हाँ जी देख रहे, क्या है? नहीं उधर देख लूँ। नमस्ते,
ये क्या बन रहा है? पानी गर्म हो रहा है? पानी गर्म वो कर रहे हैं, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने। अच्छा अच्छा, गर्म पानी, आप ठंडे पानी साफ करते? हाँ, हम शहरों में तो ठंडे पानी से ही करते हैं, क्योंकि इतनी ठंड नहीं होती ना वहाँ पे। हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में काफ़ी ठंड होती है? इतनी भी नहीं होती, मतलब सहन हो जाती है, यहाँ के मुकाबले में तो कमी होती है। यहाँ के मुकाबले में ज़्यादा होती है चंडीगढ़ दिल्ली में, यहाँ ठंड नहीं लगती है, चंडीगढ़ से दिल्ली की ठंड चुभती है। हाँ वो भी है, अगर आप बाहर निकलोगे तो चुभती है, यहाँ की ठंड चुभती नहीं है। आप यहाँ पे रहते हो ना, आपको आदत हो जाती है, हम वहाँ पे रहते हैं, हमें वहाँ की आदत हो जाती है। आदत दोनों जगह पड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ठंड के मुकाबले में। आप आए हो चंडीगढ़? ये आपके घर है? ये जो नए बन रहे हैं, क्या होटल बन रहे हैं? आपकी पत्थर अलग अलग होते उसके ऊपर से उसको वेंटिलेशन के लिए विंडप्रूफ करने के लिए इसको लगाया। अच्छा अच्छा, मैं नीचे ओल्ड मनाली में हॉस्टल में। हाँ जी, ओल्ड मनाली पूरा, ये जी ओल्ड मनाली नीचे काम नहीं, वो जो टूरिस्ट वाला है, ये असली है, ये वो टूरिस्ट वाला है, मिक्स है सारा। कौन से हॉस्टल में? वो है फार्म हॉस्टल एंड कैंप, जो रेड हाउस कैफे नहीं है, हाँ। उसके आगे जाके थोड़ा। अरे कुछ शर्मा आ गई। वैसे आपको सही लगता है कि आपके ऐसे गांव में ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, नए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर टूरिस्ट आपको यहाँ पे गांव देखने आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये विजुअल्स हमें आदत पड़ चुकी है, खासकर मैं तो खुद ही इसी बिजनेस में हूँ। अच्छा, मुझे आदत है, बल्कि हमारे जो ओल्ड जनरेशन है उनमें पहले से फार्मर्स इसको 90s में आना स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, 90s से हैं? 90s से आ रहे हैं, तो हमारा काम इससे हिस्ट्री है। मनाली में सबसे पहले टूरिस्ट का डिस्ट्रैक्ट हमारा गांव ही हुआ था। अच्छा, इसलिए हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, और मोस्ट ऑफ दी 60-80% ऑफ दी पॉपुलेशन ऑफ दी ओल्ड मनाली दे टूरिस्ट वर्क। अच्छा, मतलब मेन इनकम सोर्स ऑफ टूरिज्म ही है ना? नहीं, मेन इनकम सोर्स टूरिज्म बोल सकते हैं आप, लेकिन हाँ, काफ़ी लोग फार्मिंग पे भी डिपेंड करते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ के लोग जो पुराने घरों में रहना पसंद करते हैं, नए नए घरों में? मोस्टली नई जनरेशन नए में पसंद करती है, ओल्ड जनरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ऐसे इतने पुराने घर हैं, कितने कितने पुराने घर होंगे ये? तो मैं भी नहीं बता सकता, काफ़ी पुराने चल पड़ते हैं, 300-400 साल। हाँ, निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर जो फैमिली रह रही है तो इसकी देखभाल ज़्यादा लंबी चलती है। अच्छा, क्योंकि वो पानी के लिए ये वो करके वो देख लेते हैं इसको, अगर इसको खाली छोड़ा जाए तो कहीं पानी आता है कभी कुछ विंटर में या बारिश के मौसम में पानी, उससे ये लकड़ी सड़ जाती है, उससे जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर यहाँ पर कोई फैमिली रह रही है तो इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर करेगी, सब कुछ करेगी, उससे ये वाला पे चलते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई मतलब फैमिली ऐसे घरों में रह रही है और लक्कड़ टूट जाए, जैसे? नहीं, ऐसे देख के लगता है ना जैसे कि बहुत पुराना है, टूट जाएगा। आपके जो यहाँ की काठपुतली शैली है उस टाइप से बनते हैं, इसमें कील वगैरह यूज़ नहीं होती है। अगर यहाँ पर भूकंप ही आ जाए, जबकि न्यूली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जैसे ये वाली है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं बनी हुई है। अच्छा अच्छा, ये टूट जाएगी, ये नहीं टूटेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन यूज आती है। मैं देख लूँ, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उधर देख लूँ। ये बना रहे हैं ट्रेडिशनल सीमेंट, जैसे आगे पुराने घर बनते थे ना। नमस्ते जी। ये क्या है, मिट्टी और गोबर?
आप भी यहीं रहते हैं? आपका घर है ये? नहीं, घर पे ही निकाय। अच्छा अच्छा, हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? यहीं रहते हैं ऊपर गांव में। ये कहाँ पे इस्तेमाल करोगे? यहाँ नए वाले डिपाई कर रहे हैं। अच्छा, देखना, देख लेंगे। तो यहाँ पे ना पौड़ी तैर के दूसरी मंजिल में देखो। अच्छा, ऊपर जा सकते हैं? हाँ, डिपाई की है वहाँ, देखो। अच्छा अच्छा, दूसरी लगे ऊपरी मंजिल। इतनी छोटी, वैसे मेरी हाइट काफ़ी छोटी है, पर इनकी जो सीलिंग काफ़ी वो है, कोई लंबा बंदा यहाँ पे नहीं करवा सकता। मैं जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर से आपको व्यू भी दिखाता हूँ, शायद मनाली का व्यू भी दिखे। देखते हैं, ऊपर चलते हैं भाग के। नमस्ते जी, ऊपर चला जाऊं? इस साइड का व्यू दिखाऊंगा आपको, जो कि है बहुत ही सही। टॉप फ्लोर पे तो पहुंच गए। शेड लगा हुआ है, अगर ये ना लगा होता तो मज़ा आ जाता। ये है इस साइड का व्यू, उधर बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, दिख नहीं रहे होंगे, उधर का दिखाता हूँ मेन। इसमें पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, पर वो सारे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, उधर ही है रोहतांग पास। नीचे और घर, ये सारे इनके सेब के बाग, सारे सेब के बाग हैं। कल यहाँ पे मैंने मटर उगते हुए भी देखे थे, मटर बो रहे थे, ऐसे अप्रैल तक हो जाते हैं। हाँ, इधर से दिख रहा पूरा गांव। उधर साइड में दूर मनाली, मेन मनाली मतलब टूरिस्ट वाला, बस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पता नहीं बोरिंग होगी या कैसी होगी, जैसी भी होगी देख लेना, नहीं पसंद आई तो मत देखना। बस यहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ अब। हाँ, दूसरा दिन आज मनाली में, अभी दो तीन दिन और पड़े हैं, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो उसकी भी वीडियो बना लेंगे। बस बाय। यहाँ तो कहना है ना जहाँ मैं भी एंड कॉम्प्रेंस का